Let's call it in the crossfire. What is up guys, welcome back to the channel India Sonic. आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे महंगी प्रोडक्शन बाइक्स। मैंने इस लिस्ट में सिर्फ प्रोडक्शन बाइक्स ही इंक्लूड की है जो कि आप सीधा कंपनी से परचेज कर सकते हैं। कस्टम मेड या फिर ऑक्शन में सेल होने वाली बाइक्स इसमें इंक्लूड नहीं की है, वो इनसे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है। पूरी लिस्ट देखकर कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी बाइक पसंद आई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 12 पर हम देखेंगे कावासाकी H2R। इस बाइक की प्राइस 55,000 US डॉलर्स यानी कि 75.8 लाख इंडियन रुपीज़ है। ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव और रेयर है कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही बाइक डिलीवर हुई है। गाड़ी 305 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है अपने 998 सीसी इंजन से। इतनी ज़्यादा पावरफुल इंजन की मदद से इसने फास्टेस्ट 0 to 400 किलोमीटर पर आवर का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। अब नंबर 11 पर है BMW की HP4 रेस। बाइक की प्राइस 78,000 US डॉलर्स है जो इंडियन करेंसी में 85 लाख रुपीज़ होता है। गाड़ी 215 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है अपने 999 सीसी इंजन से। ये सिर्फ एक ट्रैक बाइक है और रोड पर नहीं चलाई जा सकती, इसी वजह से इसमें हेडलाइट और टेल लाइट भी नहीं आते। BMW ने सिर्फ 750 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे इस बाइक के और उनमें से सिर्फ एक ही बाइक इंडिया में डिलीवर हुई है। नंबर 10 पर हम देखेंगे MV अगुस्ता F4 क्लाउडियो। बाइक की प्राइस 83,000 US डॉलर्स या फिर 1.1 करोड़ इंडियन रुपीस है। सिर्फ 200 यूनिट्स बनाए गए हैं गाड़ी के और इंडिया में एक भी नहीं है। गाड़ी 205 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है अपने 998 सीसी इंजन से। बाइक का बॉडी वर्क और व्हील्स फुली कार्बन फाइबर से बने हुए हैं जो इसे काफ़ी लाइट वेट बनाते हैं। नंबर 9 पर है अप्रिलिया RSV4 FWGP। इस बाइक की प्राइस भी 83,000 US डॉलर्स या 1.1 करोड़ इंडियन रुपीस के आसपास है। ये एक ट्रैक ओनली बाइक है और 250 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है अपने 1077 सीसी इंजन से। नंबर 8 पर है आर्च KR GT1। बाइक की प्राइस 85,000 US डॉलर्स या 1.15 करोड़ इंडियन रुपीस है। आर्च मोटरसाइकिल्स कंपनी कियानू रीव्स की है जो कि एक फेमस हॉलीवुड एक्टर है। नंबर 7 पर हम देखेंगे कर्टिस मोटरसाइकिल्स की वॉरहॉक। इस बाइक की प्राइस 105,000 US डॉलर्स या 1.35 करोड़ इंडियन रुपीस है। गाड़ी का नाम और डिज़ाइन दोनों ही फाइटर प्लेन से इंस्पायर्ड है और काफ़ी यूनिक है। नंबर 6 पर है ब्रफ सुपीरियर SS100 एनिवर्सरी एडिशन। बाइक की प्राइस 112,000 US डॉलर्स या फिर 1.45 करोड़ इंडियन रुपीस है। ब्रफ सुपीरियर एक ऐसी कंपनी है जो विंटेज मोटरसाइकिल्स बनाती है। गाड़ी 102 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है अपने 997 सीसी इंजन से।
अब नंबर 5 पर हम देखेंगे कन्फेडरेट P-51 कॉम्बैट फाइटर। ये बाइक आपको कर्टिस मोटरसाइकिल्स के वॉरहॉक जैसी लग रही होगी, क्योंकि कर्टिस मोटरसाइकिल्स पहले कन्फेडरेट मोटरसाइकिल्स के नाम से ही जानी जाती थी। बाइक की प्राइस $125,000 या फिर 1.61 करोड़ इंडियन रुपीज़ है। नंबर 5 पर हम एक और बाइक देखेंगे सेम कंपनी से, क्योंकि दोनों की प्राइस एक दूसरे के आसपास ही है। ये है कन्फेडरेट FA-13 कॉम्बैट बॉम्बर और इसकी प्राइस $135,000 या फिर 1.75 करोड़ इंडियन रुपीस है। इस कंपनी की बाइक महेंद्र सिंह धोनी के पास भी है और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ एक ही बाइक है ये। अब नंबर 4 पर हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बाइक देखेंगे। ये है MTT Y2K टर्बाइन सुपर बाइक। अब नाम से आपको थोड़ा अंदाज़ा लग ही गया होगा। इस बाइक में एक जेट प्लेन की इंजन फिट की गई है जो रोल्स रॉयस प्रोड्यूस करती है, और इसी वजह से इसका साउंड सारी बाइक्स और यहाँ तक कि कार से भी काफ़ी अलग है। गाड़ी 320 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। इसमें रियर व्यू कैमरा तक फिट किया गया है। बाइक का स्टार्टअप भी बिल्कुल एक जेट प्लेन जैसा ही होता है, जो कि आप आगे देखेंगे। नंबर 3 पर हम देखेंगे होंडा RC213 VS। बाइक की प्राइस $184,000 है या 2.37 करोड़ इंडियन रुपीज़। ये गाड़ी होंडा रेस बाइक से इंस्पायर्ड है और ऑलमोस्ट एक GP बाइक जैसी है, पर रोड लीगल। गाड़ी 157 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है अपने 999cc इंजन से। गाड़ी की आवाज़ भी बिल्कुल रेस बाइक जैसी है। अब नंबर 2 पर है डुकाटी NCR M16। बाइक की प्राइस $232,000 या फिर 2.99 करोड़ इंडियन रुपीस है। NCR एक ट्यूनिंग कंपनी है जिसने डुकाटी डेस्मो सीडीजी RR बाइक, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसे और मॉडिफाई करके बिल्कुल लाइटवेट और ट्रैक फोकस्ड बना दिया है। अब आते हैं नंबर 1 पर। यहाँ हम देखेंगे टैम्बोरिनी T12 मसीमो। बाइक की प्राइस $1 मिलियन या 12.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ है, जो कि पिछले बाइक से 4 गुना से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये ट्रैक ओनली बाइक है, इसलिए इसमें हेडलाइट और टेल लाइट भी नहीं मिलते। मसीमो टैम्बोरिनी एक बहुत ही फेमस बाइक डिज़ाइनर है, जिन्होंने MV अगुस्ता की भी काफ़ी सारी बाइक्स डिज़ाइन की है। ये बाइक उनकी लास्ट क्रिएशन थी उनके डेथ के पहले। बाइक में BMW S1000 RR की मॉडिफाइड इंजन लगी हुई है, जो 230 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। सिर्फ 12 T12 बाइक्स बनाई गई हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं काफ़ी सारा कंटेंट पोस्ट करता हूँ जो यूट्यूब पर नहीं कर पाता, और सारे कमेंट्स भी पढ़ता हूँ। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।